क्या आपको पता है शंकर ने इंडियन टू की कहानी एटली के साथ में शेयर करी थी जब एटली शंकर के सहायक असिस्टेंट हुआ करते थे। अब जब आप इंडियन टू को देखेंगे तो आप में उसको मतलब आप वहां पर जवान की छाप को बिल्कुल सही तौर पर देखेंगे और यकीन मानिए आप अपने दिमाग को ये सोचने पे मजबूर होने से रोक नहीं पाएंगे कि क्या यहाँ पर जवान के थोड़े बहुत आपको मतलब सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही हैं। दरअसल कमल हसन ने इंडियन टू ब्रांड के साथ में एक मजाक कर दिया है, बेसिकली इंडियन थ्री को बनाने के लिए इंडियन टू को सीधे तौर पर आग में झोंक दिया गया है। कई बार होता है कि मेकर्स ये सोचते हैं कि नाम बड़ा है मूवी तो यूं ही चल जाएगी, लेकिन ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं, और स्पेशली मैं यहां पर साउथ की बात कर रहा हूं जो कि लगातार अच्छी मूवीज बनाकर देते हैं, ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आज की तारीख में दर्शक जो हैं वो नाम के सहारे मूवी एकाध दिन देख लेते हैं लेकिन उसके बाद वो मूवी सीधे मुंह के बल नीचे गिरती है। एंड इंडियन टू के साथ में भी अगर ऐसा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इंडियन टू ने वाकई में दर्शकों के इमोशंस के साथ में, सेंटिमेंट्स के साथ में, जो कि 96 में रिलीज हुई इंडियन के साथ जुड़े हुए थे, उनके नाम पर इंडियन टू में एक भद्दा मजाक किया है और कुछ भी नहीं। कमल हसन साहब ने विक्रम के हिट होने के बाद जो इज्जत कमाई थी, कल्कि में सुप्रीम यास्किन के किरदार में जो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जगाई थी, वो सारी की सारी उन्होंने इंडियन टू के बनाने के साथ ही फ्लश कर दी। मतलब मूवीज के नाम पर बिल्कुल मजाक करने वाली जो सोसाइटी होती है ना, शायद ये उसी सोसाइटी का एक बहुत ही भद्दा एग्जाम्पल बनकर निकलकर सामने आई है। इंडियन टू को मैं सीधे तौर पर आपको यही कहूंगा, किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर आप देखने जा रहे हो तो आप बेवकूफ और कुछ भी नहीं। दरअसल सालों साल के इंतजार के बाद में आखिरकार कमल हसन इंडियन टू को लेकर शुक्रवार को सिनेमाघरों में आ गए। फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ सहित हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है। मूवी ने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग करी है, तो इसका पहले दिन का कलेक्शन तो ओके ओके जाने वाला है, मतलब अबव एवरेज जाएगा हम ये कह सकते हैं। डायरेक्टर शंकर की फिल्म को रिलीज के साथ ही क्रिटिक्स से कोई खास रिव्यू भी नहीं मिल रहे, ये आपने देख ही लिया होगा। फिल्म की बोरिंग और कमजोर कहानी दर्शकों को बिल्कुल रास नहीं आई, और इतना ही नहीं, कमल हसन अपने लुक में फैंस को इंप्रेस करने में भी कामयाब नहीं रहे। बता दूं कि फिल्म में सिद्धार्थ, रकुलप्रीत और एस जे सूर्या लीड रोल में, यहां पर कमल हसन को इतना मेकअप पोत दिया गया है कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस तो बिल्कुल नाम मात्र के रह गए, मतलब वो चेहरा हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बोल कम रहे हैं और गुटखा ज्यादा खा रहे हैं। खैर, अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो डायरेक्टर शंकर और लीड एक्टर कमल हसन की फिल्म इंडियन टू सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इंडियन टू एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी सेनापति की कहानी है जो करप्शन को खत्म करने के लिए कानून को अपने हाथों में लेने से भी नहीं डरता। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हर हाल में देश से करप्शन खत्म हो जाना चाहिए। फिल्म में सेनापति की कहानी आगे बढ़ती है, वो भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले चित्रा अरविंदन, मतलब सिद्धार्थ जो कि यहां पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हैं, उसकी मदद करने के लिए हांगकांग से वापस लौटता है, जो इंटरनेट पर वीडियो के माध्यम से देश में भ्रष्ट राजनेताओं को उजागर करने का काम कर रहा है। दिशा, मतलब कि रकुलप्रीत, जो कि पूरी मूवी में कभी कभी ही दिखाई पड़ती हैं, वो भी इस मिशन से जुड़ी हुई हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये तीनों मिलकर देश में फैले भ्रष्टाचार को, करप्शन को रोक पाएंगे? क्या उनका मिशन कामयाब हो पाएगा? उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको इंडियन टू देखनी पड़ेगी। मूवी की बात करें तो कमल हसन की फिल्म इंडियन टू की कहानी और स्क्रीन प्ले अगर हम कमजोर कहें तो शायद ये मूवी के लिए एक अच्छा ही शब्द होगा, क्योंकि ये मूवी बेहद कमजोर स्क्रीन प्ले और कहानी के साथ सामने आई। फिल्म पूरी तरह से आउटडेटेड है। कहानी में पुराने करप्शन के टॉपिक को नए तरीके से पेश करने की एक बहुत ही घटिया कोशिश करी गई है, जो कि बिल्कुल भी आपको इंप्रेस नहीं करेगी। दूसरा, फिल्म की कहानी कागज पर तो बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेकर्स ने इसके एग्जीक्यूशन में बहुत कंजूसी कर दी और इसीलिए दर्शकों में इस कहानी को लेकर मूवी देखते समय कोई खासा इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पाता है। आपके आसपास बैठे हुए लोग, अगर बाय चांस आपके आसपास कोई आकर बैठ जाए इस मूवी को देखने के लिए, तो आप देखेंगे कि वो भी मूवी देखते हुए उबासी लेते रहेंगे और सवाल करते रहेंगे कि यार इस मूवी में देखने लायक आखिर है क्या। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के शुरुआती 20 मिनट के बाद फिल्म की कहानी पूरी तरीके से हिल जाती है। डायरेक्टर इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है। अगर हम बात यहां पर स्टार कास्ट और डायरेक्शन की करें तो फिल्म इंडियन टू में लीड रोल प्ले कर रहे कमल हसन की एक्टिंग लोगों को पसंद आने की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन खराब मेकअप की वजह से ये और भी ज्यादा घटिया हो गई। मतलब मैंने आपको बताया ना, वो बोलते हैं तो लगता है गुटखा खा रहे हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ, रकुलप्रीत का काम भी बस ओके ओके है। बात डायरेक्शन की करें तो शंकर ने फिल्म में कई जगहों पर ऐसा लगता है कि आलस दिखा दिया है। कहानी पुराने धल्ले वाली,
फिल्म में ग्रैंड विजुअल्स हैं लेकिन क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा कमी है। मेकअप के साथ ही डायलॉग्स बेहद खराब हैं। कमल हसन के कुछ सीन्स थोड़ा इंपैक्ट जरूर छोड़ते हैं लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो यह पूरी मूवी सिर्फ और सिर्फ आपको लेट डाउन ही करेगी। फिल्म इंडियन का सीक्वल इंडियन 2 पूरी तरह से फेल है। ईमानदारी का संदेश देने की कोशिश के बावजूद फिल्म में ढेरों कमियां हैं। अगर आप कमल हसन के फैन हैं तो फिल्म देखने जा सकते हैं और अगर आपने जवान देख ली है तो फिर आप इस मूवी के OTT पे आने का इंतजार भी कर सकते हैं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।